करती हूँ, सब खैरियत से होंगे। रश्मि का किचन में आप सबका स्वागत है। आज मैं बनाऊंगी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही क्रिस्पी मसाला फिश फ्राई की रेसिपी। तो बिना किसी देरी किए चलिए शुरू करते हैं आज का रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ मसाला फिश फ्राई बनाने की रेसिपी को शेयर करूंगी, जो कि बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होने वाली है। तो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं बनाना मसाला फिश फ्राई की रेसिपी को। यहाँ पर मैंने 1/2 kg लोकल रूही फिश को लिया है और इसको मैंने अच्छे से वॉश करके इसका छिलका निकाल लिया है और बड़े पीस करके इसको काट लिया है। और यहाँ पर मैंने मछली का थोड़ा तेल भी लिया है ताकि जब मसाले को फ्राई करूँगी तो इस तेल को मसाले में डाल दूँगी, तो इससे मसाला बहुत ही टेस्टी बनेगा। और अभी मैं मछली को मैरिनेट करने के लिए सारे मसाले को मछली में डाल दूंगी। यहाँ मैंने कश्मीरी चिली पाउडर को 1 चम्मच लिया है, हल्दी पाउडर 1/2 चम्मच लिया है, 1.5 चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच जीरा और धनिया का पाउडर लिया है, 2 चम्मच बेसन को लिया है और 1 चम्मच नमक को लिया है। और अभी मैं इन सब को मछली में डालकर अच्छे से मैं मछली को मैरिनेट कर लूँगी। और अभी मैं प्याज अदरक और लहसुन के पेस्ट को डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने प्याज अदरक लहसुन को मिक्स करके पीस लिया था, तो यहाँ पर मैंने 3 चम्मच अदरक लहसुन और प्याज का पेस्ट को लिया है और अभी मैं इसमें मछली में डाल दूँगी। और अभी मैं इसमें लेमन जूस मैंने 2 चम्मच लिया है, इनको मैं मछली में डाल दूँगी। और अभी मैं टमाटर के पेस्ट को मैंने 2 चम्मच लिया है, तो इनको भी मैं मछली में डाल दूंगी और अच्छे से इन सबको मछली के साथ मिक्स करके मछली को 15-20 मिनट के लिए मैरिनेट होने दूंगी। मछली में अच्छे से मसाले को लगा दिया मैंने और अभी मैं 20 मिनट के लिए इसको रख दूंगी मैरिनेट होने के लिए। पर मैंने एक कढ़ाही को बिठाया है और इस कढ़ाही में मैंने 4 चम्मच मस्टर्ड ऑयल को डाल दिया है और मैंने तेल को अच्छे से गरम कर लिया है। और अभी मैंने जो मैरिनेट होने के लिए मछली को रखा था, तो 20 मिनट हो चुका है और अभी मैं एक एक करके मछली को तेल में डालती जाऊंगी और अच्छे से इनको एक साइड से फ्राई कर लूंगी। और जब एक साइड से ये फ्राई हो जाए तो दूसरे साइड से भी पलट के इनको अच्छे से फ्राई कर लूंगी। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पर लोकल रूही फिश लिया है। आप अपने पसंद के हिसाब से इसके जगह पर कोई भी दूसरा फिश को भी ले सकते हैं। अभी मछली एक साइड से फ्राई हो चुके हैं और अभी मैं चम्मच से एक एक करके सारे मछलियों को पलट कर दूसरे साइड से भी फ्राई होने दूंगी। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम को हाई मीडियम रखा है और हाई मीडियम फ्लेम पर ही मैं सारे मछलियों को फ्राई करूँगी। अभी मछली दूसरे साइड से भी फ्राई हो चुके हैं और अभी मैं इन सारे मछलियों को पलट कर फिर से 1 मिनट के लिए दूसरे साइड को भी फिर से फ्राई कर लूँगी। तो अभी ये मछली सारे दोनों साइड से फ्राई हो चुके हैं और मैं एक एक करके सारे मछलियों को एक प्लेट में निकालती जाऊँगी। तो मैंने सारे मछलियों को इस प्लेट में निकाल लिया है और अभी मैं इसी कढ़ाही में मसाले को फ्राई कर लूँगी। मैंने जिस प्लेट में मछली को मैरिनेट किया था तो उस प्लेट में मसाला थोड़ा रह गया था और मछली का तेल भी रह गया था, तो अभी मैं इस तेल को मसाले के साथ कढ़ाही में डाल दूंगी और अच्छे से इनको फ्राई कर लूंगी। तो अभी मैं इनमें 1/2 बोल प्याज के पेस्ट को डाल दूंगी। तो यहाँ पर मैंने एक मीडियम प्याज को बारीक काट कर मिक्सचर में पीस लिया था और अभी मैं इसको मसाले के साथ मिक्स करके फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैं टमाटर का पेस्ट को 4 चम्मच डाल दूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक टमाटर को बारीक काट कर मिक्सचर में पीस लिया था और अभी मैं चम्मच से अच्छे से चलाकर अच्छे से इन सबको फ्राई कर लूँगी। और यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम को लो मीडियम ही रखा है और लो मीडियम फ्लेम पर ही मैं मसाले को अच्छे से फ्राई करूँगी। तो यहाँ पर मैंने 4 हरी मिर्ची लिया है, तो इनको भी मैं कढ़ाही में डाल दूँगी और अभी मैं मसाले को भी डाल दूँगी कढ़ाही में। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच मिर्ची का पाउडर लिया है, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर लिया है, 1 चम्मच नमक लिया है
और आधा चम्मच कश्मीरी चिली पाउडर लिया है। तो इनको डाल के अच्छे से मैं चम्मच से चला के मसाले के साथ मिक्स करके अच्छे से इनको फ्राई कर लूँगी। तो अभी मैं यहाँ पर 2 चम्मच पानी को मसाले में डाल दूँगी, ताकि मसाले में पानी डालने से नीचे लग के मसाला ना जले और अच्छे से मसाला फ्राई भी हो जाए। तो अभी मैं मसाले में 1/2 चम्मच कसूरी मेथी को डाल दूँगी, ताकि कसूरी मेथी का जो एक अच्छा फ्लेवर है वो अच्छे से मसाले में आए। तो यहाँ पर मैं कंटिन्यू 5 मिनट चम्मच से चला के मसाले को अच्छे से फ्राई कर लूँगी। और अभी मसाला अच्छे से फ्राई हो चुका है, तो अभी मैं एक एक करके सारे मछलियों को मसाले में डालती जाऊंगी। मैंने सारे मछलियों को मसाले में डाल दिया है और अभी मैं चम्मच से अच्छे से मसाला और मछली को एक साथ मिक्स कर लूँगी। तो मैं मसाले को मछली के साथ मिक्स करने के बाद इनको 3 मिनट पका लूँगी। तो यहाँ पर मैंने गैस का फ्लेम को लो कर दिया है और लो फ्लेम गैस पर ही मैं मछली को 3 मिनट पका लूँगी अच्छे से। मैंने 3 मिनट मछली को दोनों साइड से पलटकर मसाले के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है और ये अभी मछली और मसाला दोनों अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो अभी मैं गैस ऑफ करके इनको गैस से उतार लूँगी। मैंने मछली को गैस से उतार लिया है और यहाँ पर मैंने एक प्लेट लिया है और इसी प्लेट में मैं मछली और मसाले को निकाल लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप भी सेम इसी प्रोसेस से मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी को बनाइएगा, तो आपका भी मसाला फ़िश फ्राई रेसिपी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगा। तो अभी मैंने मसाला और मछली को प्लेट में निकाल लिया है और अभी पूरा रेडी है लोकल रूही फ़िश का मसाला फ़िश फ्राई रेसिपी। तो लीजिए फ्रेंड, बनके रेडी हो गया बहुत ही टेस्टी मसाला फ़िश फ्राई की रेसिपी। तो इस मसाले फ़िश को आप चावल के साथ भी खा सकते हैं, रोटी के साथ भी खा सकते हैं और इसको सिर्फ हरी चटनी और लेमन और हरी मिर्ची के साथ भी खा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोगों को आज का मेरा रेसिपी अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करिएगा, ताकि मेरे आने वाली सारी रेसिपीज़ की नोटिफिकेशन टाइमली आप लोगों को मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, फिर से कोई नई रेसिपी का वीडियो लेके आऊँगी इंशाल्लाह। और फ्रेंड्स, अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।